पंजाबी तो सभी समझते हैं, हरियाणवी कितने लोग समझते हैं? हरियाणवी समझते हैं थोड़ी थोड़ी? नहीं नहीं, ऐसे कोई विशेष नहीं है, हल्की फुल्की हरियाणवी। क्यों ना नाचू बजरंगी तेरी कृपा जो होगी, क्यों ना नाचू बजरंगी तेरी कृपा जो होगी, ओ साला सर के बाबा तेरा बन गया मैं जोगी, ने तेरा बन गया मैं जोगी, ने तेरा बन गया मैं जोगी, ने तेरा बन गया मैं जोगी, तेरा बन गया मैं जोगी। जोगी कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जो जो सर पे बांधा है ऐसा पूरा होता है जोगियों का। कौन कौन जोगी बनना चाहता है जरा हाथ उठा के तालियों के साथ सारे गले का एक साथ। तेरा बन गया मैं जोगी, तेरा बन गया मैं जोगी, तेरा बन गया मैं जोगी। Oh,
जहाँ बैठे हैं ना, इधर 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 सबकी आवाज है। अरदास पूरी कर देंगे, क्योंकि कहते हैं ना मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, और जब कोई नहीं आता तो हनुमान आते हैं। तो एक बार गाइए मेरे साथ मिलकर के सारे राम सिया तेरा नाम सुमिरते
आज तक तो उसे होश नहीं रहता मेरे आगे कौन, मेरे पीछे कौन, मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। आज माता रानी के मोर बन के नाचे, झूम झूम के मैया रानी को मनाए, देखो माँ वैसे ही झूमती हुई आएगी और सारे गाए झिकल द मोर बढ़िया भोले बाबा। बड़े भोले हैं,
एक चोर चोरी करने निकला, सारी रात घूमता रहा, थक हार करके एक मंदिर में जाके बैठा। मंदिर था भोलेनाथ जी का। चोर ने सोचा आज की रात कुछ हाथ नहीं आया, आगे का गुजारा कैसे चलेगा। सोचते सोचते नजर घंटे पे गई, जैसे चोर ने घंटे को देखा, मंदिर में घंटा लगा था बड़ा सा। चोर ने सोचा अगर ये घंटा मुझे मिल जाए तो 4-5 दिन की आराम से निकल जाएंगे। चोर इतना दीवाना हो गया, पागल हो गया, चल गया शिवलिंग पर, उतारने लगा घंटा। जैसे ही शिवलिंग पे चला तो बाबा प्रकट हो गए। हर हर महादेव, तुझे क्या चाहिए? भगत कहता बाबा मैं तो घंटा उतार रहा था, गलती हो गई मुझसे और आप प्रकट हो गए। बाबा ने कहा देख सारी दुनिया आती है, जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, तू पहला भक्त हुआ है जो खुद ही चढ़ गया, तेरे जैसा कोई नहीं। बोलो शंकर भगवान की। घोड़ी दी बारात चली गज बज के, ये भेंट इसलिए सुना रही हूँ ताकि जितने मन में है नाचने की धुन के सारे नाच ले। हालांकि हाथों को और लेडीज पीछे नहीं रह जाए, आप भी सावन का महीना ऐसा भोले बाबा का मनाइएगा। ओ घोड़ी दी बारात चली गज बज के, सारे अनुभव पिंडी रख रख के, सारे आनंद की बात करते हैं।
साक्षी कौन है? एक भेंट माता रानी के ये जो सामने मेरे भक्त बैठे हैं, आप सभी के लिए जो बैठ करके बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, आइए बड़ी प्यारी सी भेंट माँ के चरणों में सुना रही हूँ। जगाना मुझे मंदिरों वाली माई की दा। आपने एक भेंट सुनी होगी मुझसे, मैंने कल्याणपुर में एक बार गाई है। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, क्यों मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। ये बड़ी अनोखी जगह है, ये जगह इसमें बड़ा करिश्मा है। इस जगह पर माता रानी का जगराता होता है। इधर दरगाह है और इधर मंदिर है, भोले शंकर का मंदिर, मतलब बड़ी अनोखी जगह है। इधर मंदिर इधर मस्जिद, तो ऐसी जगह बहुत कम है। यहाँ अपने आप में ये जगह बहुत पवित्र है, क्योंकि हर साल यहाँ जगराता होता है माता रानी का। जो यहाँ की यहाँ आकर बैठ गए, मान लो सारे तीर्थ कर लिए उसने, ये मान लीजिए। और माता रानी के दरबार में बैठे हुए भक्त माँ से कहते हैं, माँ जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई देगी, मुझे आज सवेरे मैया सूरत दिखाई देगी, तेरा भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए, तेरा भजन करे कोई मुझको।